हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देवार्यन सर, प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना से एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट हुआ हूँ मैथ के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को लेकर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी यूट्यूब पे नया हूँ, अभी मैं सीख ही रहा हूँ, इसलिए कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स रह ही जाते हैं, जैसे नॉइज पोल्यूशंस, लाइट प्रॉब्लम, तो आप इसे इग्नोर करेंगे और मेरे कॉन्टेंट पर ध्यान देंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने के साथ साथ कमेंट और जो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। अगर मैं आपको मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आजकल तो डिसलाइक में बहुत लोग नाम कमा रहे हैं। सड़क 2 फिल्म के टीजर के बाद अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी डिसलाइक में बहुत आगे जा रहे हैं। खैर, मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक बातें नहीं करूँगा, मैं अपने कुछ क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। आज हम एसआई के कुछ इंस्टॉलमेंट वाले सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम एसआई के इंस्टॉलमेंट वाले सवाल पे। तो आइए हम बात करते हैं एसआई के कुछ इंस्टॉलमेंट वाले सवाल को लेकर। हमारा क्वेश्चन है कि 10% प्रतिवर्ष एसआई की दर से, यानी साधारण ब्याज की दर से, वह समान वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 रुपया का ऋण 5 वर्षों में पूरा चुका दिया जाए। मैं हर बार कहता हूं कि सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन को बेसिक मेथड से एक बार ज़रूर बनाएं। बेसिक मेथड बनाने से होगा क्या कि आपको जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा और आप क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, आप क्वेश्चन को आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से आप उसे सॉल्व करते हैं, ये आपको पता चलेगा। एक बार ज़रूर बेसिक मेथड को आप ज़रूर बनाइए। तो बेसिक मेथड को हम देखते हैं, 5 वर्षों में हमको इसको पूरा करना है, तो हम प्रत्येक बराबर किस्त मान लेते हैं, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं हमारा एक्स रुपया हमने मान लिया है प्रत्येक किस्त। ये 5वां वर्ष में ये हमारा 5 बराबर में, तो हमको जो हर बार आपको जो है मूलधन तो देना ही पड़ेगा। जैसे हमने जो अंतिम वर्षों में ये ₹1 हम यहाँ दे देंगे। अगर हम यहाँ पे इसको नहीं देते हैं तो फिर हमको जो है 1 वर्ष का इस पर जो है हमको ब्याज लग जाएगा। अगर हम यहाँ पे नहीं देते तो हमको 2 वर्ष का ब्याज लग जाएगा, इसी तरह से 3 वर्ष का, इसी तरह से 4 वर्ष का। तो हमारा बेसिक जो है हमने लिया ₹1 और हमने जो है ये एक्स और हमने जो 4 वर्षों तक जो ये रुपया रखा है वो 4 वर्ष तक हमको ब्याज देना पड़ेगा, वो भी हमको 10% की दर से। ये हमारा हो गया। फिर हमको जो है ये एक्स देना है, फिर हमको एक्स 1, 2, 3 साल तक 10% की दर से। फिर हमारा एक्स 2 साल 10% की दर से। फिर हमारा एक्स 1 साल 10% की दर से और आखिरी में हमारा ₹1। टोटल हमारा अमाउंट हो जाएगा ₹4200। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम 10, 10, 1, 0 हम सबका कैंसिल कर लेंगे तो हमारा 1, 2, 3, 4 और 1, 5, 5x आ जाएगा, प्लस 10, 10, 10 एलसीएम हमारा 10 हो जाएगा। ये हमारा 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 10x हमको मिलेगा इक्वल टू 4200। 10 कैंसिल, 5x 6x इक्वल टू 4200। हम इसको काटेंगे तो हमारा जो है एक्स हमारा ₹700 आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो वार्षिक समान किस्त है वो हमारा ₹700 है। ये हमारा डिटेल मेथड हुआ। अब हर एक डिटेल मेथड से हम तो एग्ज़ाम में बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो है हम इसको दूसरे रूल से बनाकर देखते हैं। दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को बना कर देखते हैं। एक हमारा ट्रिक है इसमें,
प्रत्येक समान इंस्टॉलमेंट बराबर जितना आपने कर्ज लिया है गुने 200 टी इंटू 200 प्लस टी माइनस 1 आर। इस ट्रिक के सहारे आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें चुकाना है 4200 रुपया, टी हमारा है 5 साल, 200 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 10 4200 गुने 200 बटे 5 गुना 240। तो 240 24 पचे हमारा जो 120 हो जाएगा, तो 20 हमारा ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे आपका 700 रुपया, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 700 रुपया। एक और मेथड है जो हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, सबसे बेस्ट मेथड है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमको 100 रुपया हमने मान लिया कि इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 रुपया, और हमको 5 वर्षों में देना है, तो हमारा जो है टोटल 500 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जो है समय पर नहीं दे पाते हैं तो हमको कुछ जो है ब्याज देना पड़ेगा। जैसे ही हमने दे दिया है तो इसका जो है हमको 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज 10% की दर से 10 रुपया हो गया। ये हमारा 10% की दर से 2 साल का ब्याज, ये हमारा 10% की दर से 1, 2, 3 साल का ब्याज, ये हमारा 10% की दर से 1, 2, 3, 4 साल का। तो हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा हो गया 100, ये हमारा हो गया 110, ये हमारा 120, फिर हमारा 130 और ये हमारा 140। इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। फर्स्ट में हमारा जो है 100 हो जाएगा, फिर उसी दर से हमारा 5, प्रत्येक साल में 10% बढ़ेगा, तो 10% बढ़ा, 10 जोड़ते चले गए तो हमारा हो गया 0, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 और ये हमारा हो गया 600। तो 600 में हमारा हो गया 4200, ये हमारा 1 में हो गया 7, और हमने माना था प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100, तो हमारा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ गया 700 रुपया। ये मेथड आपका बेस्ट मेथड है, आप एग्ज़ाम में इसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर हम देखते हैं, 2200 रुपया के मिश्रधन पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान करने पड़ेंगे। आपको 3 तरीके हमने बताए हैं, आप तीनों तरीके से ट्राई कीजिए। तीसरा मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमको 5 वर्षों में देना है, वो भी 5% की दर से। तो फर्स्ट हमारा 100 हो जाएगा, 5% की दर से 1 साल में, तो हमारा हो जाएगा 105, 5 रुपया हमारा जो है साधारण ब्याज हो जाएगा। फिर 5 रुपया साधारण ब्याज होगा तो 110, फिर हमारा 115, फिर हमारा 120, 5 वर्ष हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे हमारा हो जाएगा 0, 4, ये हमारा हो गया 550, और हमारा टोटल जो है कर्ज लिया है हमने 2200। 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 से काटेंगे, 1 में हमारा 4 हो गया, तो 100 में हमारा हो जाएगा 400। यानी जो है हम बराबर किस्त जो है 400 रुपये का दे रहे हैं, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, इस चैनल को ग्रो करना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ताकि मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा प्रेजेंट रहूँ, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, 5 वर्ष बाद दें 3600 रुपया के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है,
यदि ब्याज दर 10% वार्षिक हो तो हमारा प्रत्येक सामान्य किस्त कितना देना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को फिर से उसी तरीके से तीसरा मेथड लगाएंगे, क्योंकि हमको 10% है और कितने वर्षों में, 5 वर्षों में देना है। तो पहला हमारा 100 हो गया, 10% 1 साल में तो हमारा हो जाएगा 110, फिर अगला 10% 120, 130, 140, 5 वर्ष पूरे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमारा 4, 3, 7, 2, 9, 1, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 और ये हमारा 600। 600 में हमारा है 3600, तो 3600 हमारा हो गया, एक में हमारा 6 हो गया और हमने कितना माना था वार्षिक किस्त 100, तो 100 में हमारा जो है 600। बहुत ही आसान मेथड है ये, बहुत ही एकदम आसान सा है और आप तुरंत इसका जवाब आंसर दे सकते हैं। 600 रुपया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6,450 रुपया का ऋण 5% वार्षिक SI की दर से किस वार्षिक सामान्य किस्त देकर 4 वर्ष में चुकाया जा सकता है। आपका ऑप्शन है 1,350, 1,500, 1,470, 1,605 रुपये। अगला क्वेश्चन है, कितना वार्षिक भुगतान 848 रुपया के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर दर 4% वार्षिक हो। 185 रुपया, 190 रुपया, 200 रुपया, 215 रुपया। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इसका सही जवाब जो हमने बताया है उस मेथड को, तीनों मेथड से आप बना के देखिएगा, तीसरे मेथड को आप अप्लाई एग्ज़ाम में कीजिएगा। फिलहाल बेसिक मेथड को घर पे ज़रूर बनाइएगा ताकि आप बेहतर कॉन्सेप्ट को समझ सकें। इस दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैं छोटा छोटा वीडियो ही डालूँगा, फिर उसके बाद लॉन्ग लेंथ वाली वीडियो भी डालूँगा ताकि आप लोगों को, चैप्टर वाइज भी हम करेंगे। फिलहाल अभी हम धीरे धीरे इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में CI के किस्त वाले सवाल को हम लेकर बात करेंगे। साधारण ब्याज में किस्त इतना पर ही ख़त्म नहीं होती, और भी बहुत सारे सवाल किस्त को लेकर हैं। फिलहाल जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसी सवाल को मैंने लिया है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।